अभी अभी खबर आई है कि अजय मेरा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। वो जो हमारा चौपर आ रहा है उसे अजय मेरा ने हाईजैक कर लिया है। और मैं हूं आपकी होस्ट प्रतीक्षा, लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पे ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया और हम छोड़ आए अपना दिल गदर के मोड़ पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म गदर, एक प्रेम कथा की। फिल्म गदर ना केवल सनी देओल की फिल्मी करियर की एक शानदार फिल्म थी, बल्कि हिंदी सिनेमा की एक हिस्टोरिकल फिल्म थी। ये फिल्म साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गदर में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और अमरीश पुरी के साथ कई होनहार कलाकार लीड रोल्स में थे। सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी सारा सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का खुमार आज तक दर्शकों के सिर पर चढ़ा हुआ है। तभी हर कोई इसके पार्ट टू के बनने की राह देख रहा है। काफी समय से उम्मीद की जा रही है कि उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दोस्तों, अब 20 सालों बाद फिर से इस प्रेम कहानी की कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। फिल्म के सीक्वल का ऐलान करते हुए मोशन पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है। जल्दी ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू होगी। इसमें लीड रोल में पहले की तरह ही सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आएंगे। ऐसे में आप दोबारा बड़े पर्दे पर सनी और अमीषा की जबरदस्त केमिस्ट्री देख पाएंगे। और हाँ, एक और बात, आपको तो इस फिल्म का वो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन याद ही होगा, जिसे देखकर ऑडियंस सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां बजाने लगे थे। कुछ ऐसा ही जलवा दोबारा कायम करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इसका खुलासा इस बार डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि गदर के मेकर्स इस समय बनने वाले सीक्वल को दिमाग में रखकर प्लॉट और स्क्रिप्ट पर काम कर चुके हैं। अक्सर फिल्म के सीक्वल बनाए जाने पर लीड जोड़ी बदल ली जाती है, लेकिन गदर के पार्ट टू में लीड रोल में सनी देओल और अमीषा पटेल ही है। हालांकि इन दोनों के फिल्में होने के बावजूद डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष भी लीड रोल में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि उत्कर्ष ने फिल्म के पहले पार्ट में सनी और अमीषा के बेटे की भूमिका निभाई है, जबकि उन्होंने बतौर एक्टर साल 2018 में फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि सनी पाजी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपनी अपकमिंग फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, हाल ही में सनी पाजी ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए अपने स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन की एक झलक दी। उन्होंने डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ चाय पीते हुए अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की, जिन्होंने हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का डायरेक्शन किया था और साथ ही सीक्वल की भी डायरेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम ओरिजिनल फिल्म गदर एक प्रेम कथा की बात करें तो ये तो रिलीज होने से पहले ही काफी फेमस हो गई थी और लोग ना महीने भर पहले से इस फिल्म का इंतजार करने लगे थे। जब साल 2001 में ये फिल्म फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उसने कई रिकॉर्ड बनाए और उसने उस वक्त 10 करोड़ की टिकट बेचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। ये फिल्म पूरे भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी और लोग आज भी सनी पाजी के उस आइकॉनिक किरदार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है, या आप ना हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट तो काफी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे कुछ लेटेस्ट फिल्मों की मसालेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।